हेलो एवरीवन, आई एम भूपेंद्र जांगड़ा। वेलकम यू ऑल इन भूपेंद्रा बायोलॉजी कॉन्सेप्ट बीबीसी। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन आरएच सिस्टम। तो ह्यूमन आरएच सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि आरएच एंटीजन होता क्या है। सेकंड, इनहेरिटेंस ऑफ आरएच एंटीजन ये कैसे होगा। थर्ड, बायोलॉजिकल मिसमैच क्या होता है और बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट मैरिज क्या होती है। फोर्थ वन, आरएच इनकम्पेबिलिटी एंड अर्थ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएच फैक्टर, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर एंड वेनर ने 1941। उन्होंने आरएच फैक्टर को रिसेस मंकी में डिस्कवर किया था और इस वजह से उसका नाम रिसेस मंकी के फर्स्ट टू लेटर से आरएच से लिया गया और उसका नाम आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन भी बोल देते हैं, वो रिसेस मंकी से डिस्क्राइब हुआ। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले क्या किया कि मंकी के ब्लड को एक रैबिट के ब्लड में ट्रांसफर किया। उसने क्या किया, मंकी की रेड ब्लड सेल को निकाला और उन रेड ब्लड सेल को एक रैबिट की बॉडी में इंजेक्शन से इंसर्ट कर दिया और उसने देखा कि रैबिट के अंदर बहुत सीवर क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, एंटीजेनिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसने इस रिसेस मंकी के ब्लड को दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ट्राई किया और ऑब्जर्व किया कि सेम टाइप ऑफ एंटीजेनिक रिएक्शन हो रही है। उसके बाद में इनको पता लगा कि जो रिसेस मंकी है इसकी आरबीसी के ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंटीजेनिक फैक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम था आरएच एंटीजन। बाद में वो आरएच एंटीजन जो था या आरएच फैक्टर जो था 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में भी पाया गया। 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में भी आरएच फैक्टर मिला जो कि आरएच मंकी के आरएच फैक्टर जैसा ही था। अब पढ़ते हैं आरएच एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो ए एंटीजन और बी एंटीजन होते हैं उनका नेचर क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है। लेकिन आरएच एंटीजन जो होता है वो नेचर में प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनियस नेचर के ये होते हैं। और अभी तक 50 डिफरेंट आरएच एंटीजन आइडेंटिफाइड हो चुके हैं ह्यूमन के अंदर, लेकिन सभी 50 के 50 हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा यूजफुल नहीं है। देखिए 50 आरएच एंटीजन अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से सम आर नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उनका मैच होना मिसमैच होना ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन 5 ऐसे हैं जो इम्यूनोलॉजिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मतलब अगर वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, बॉडी हमें बचाने के लिए रिएक्शन करेगी, उसको इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगी। उन 5 में से जो सबसे मेन है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डी एंटीजन के बेसिस पर। डी एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डी एंटीजन। दूसरा है सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी एंटीजन, ये 2 एंटीजन है, कैपिटल सी और स्मॉल सी से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है कैपिटल ई एंड स्मॉल ई एंटीजन। तो दीज आर द 5 एंटीजन विच आर इम्यूनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, और इन 5 में से डी एंटीजन है, दिस वन इज मोर एंड मोर इम्यूनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। डी एंटीजन जो होता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉज करता है। अगर किसी बॉडी में डी एंटीजन नहीं है और उसकी बॉडी में डी एंटीजन डाल दिया जाए तो उसकी बॉडी उस डी एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है।
डी एंटीजन को कोड करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को हम बोलते हैं आर एच डी जीन। और ऐसे ही हमारे लिए आर एच सी जीन जो होता है वो सी एंटीजन को बनाता है, और आर एच ई जो होता है वो ई एंटीजन को बनाता है। दीज आर द जीन्स विच कोड फॉर दीज एंटीजन्स। अब डी एंटीजन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उसको बोलेंगे हम आर एच पॉजिटिव नाम देंगे। इसमें एबसेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, आर एच नेगेटिव बोलेंगे, मतलब उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब जिसमें प्रेजेंट है, अगर उसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन पहले से प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर उसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, आर एच पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। अगर किसी के ब्लड की ब्लड में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। किसी के अंदर ए बी एब्सेंट है, बी भी एब्सेंट है, लेकिन आर एच फैक्टर, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ऐसे ही किसी के अंदर केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन एब्सेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव कहलाएगा। केवल बी एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एब्सेंट है, तो बी नेगेटिव कहलाएगा। ए भी नहीं है और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो जाएगा। किसी के अंदर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और आर एच भी नहीं है, तीनों टाइप के एंटीजन एब्सेंट होंगे, तो उसको कहलाया जाएगा ओ नेगेटिव। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट एंटीजन नहीं है, वो होता है ओ नेगेटिव। इसलिए ओ नेगेटिव जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलना ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू ओ ब्लड ग्रुप के, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डी एंटीजन। डी एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमारे पास अर्थ्रोब्लास्ट सेल है। अर्थ्रोब्लास्ट सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होता है। और अर्थ्रोब्लास्टिक सेल के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, या दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे ही हमारी आरबीसी के ऊपर या अर्थ्रोब्लास्ट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीनियस एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डी एंटीजन, और इसको 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है, 12 टाइम्स हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन से पास होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 टाइम्स हमारी मेम्ब्रेन से ये पास हो रहा है, तो इसको 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल देते हैं। इस एंटीजन डी एंटीजन को बनाने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, आर एच डी जीन रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है, डी एंटीजन जो होता है, उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप वो पार्ट होता है किसी भी एंटीजन का जहां पे कोई एंटीबॉडी बाइंड करती है, एक स्पेशल पोजीशन होती है एंटीजन की जहां पे हमारी एंटीबॉडी बाइंड करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। कि फॉर्मेशन कैसे हुई ए एंटीजन की, बी एंटीजन की, कैसे बनते हैं, अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन से लिंक कर दूंगा। आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ए एंटीजन कैसे बनता है, बी एंटीजन कैसे बनता है, एच एंटीजन कैसे होता है, इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आगे पढ़ते हैं कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, आर एच जीन कैसे एक पर्सन से वर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना कि आर एच
एंटीजन का इनहेरिटेंस जो होता है ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप से इंडिपेंडेंट होता है, वो अलग इनहेरिटेड होंगे, आरएच अलग इनहेरिटेड होगा। अब जैसे आरएच फैक्टर, किसी के अंदर अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो उसका जीनोटाइप जो होता है वो आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स ये आरएच पॉजिटिव किससे आया, एक पेरेंट से आया, ये आरएच पॉजिटिव किससे आया, दूसरे पेरेंट से आया, दूसरे दोनों पेरेंट्स के अंदर क्या थे, जीन प्रेजेंट थे, मतलब आरएचडी जीन दोनों में प्रेजेंट था। ऐसे एक पेरेंट्स के अंदर मान लिया फादर में आरएचडी जीन प्रेजेंट है, दूसरे में नहीं है, तो जिसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आरएच पॉजिटिव जो है आरएच नेगेटिव के ऊपर डोमिनेंट है। अगर किसी का आरएच नेगेटिव है इसका मतलब क्या, दोनों ही पेरेंट्स में RHD जीन अब्सेंट है, जिसकी वजह से उसकी आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास पेरेंट्स वन है, ये पेरेंट्स टू है, ये हमारा हो गया चाइल्ड, इसमें RH एलील प्रेजेंट है, पेरेंट टू में भी प्रेजेंट है, तो चाइल्ड क्या होगा, RH पॉजिटिव ही होगा। पेरेंट वन में RH नेगेटिव है, पेरेंट टू में RH पॉजिटिव है, तो भी हमारे पास चाइल्ड का आरएच क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। दोनों पेरेंट्स में अगर आरएच जीन एब्सेंट है तो बच्चे का क्या होगा, आरएच नेगेटिव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ए मैन हुज एलील फॉर ब्लड ग्रुप टाइप आर ए एंड ओ एंड आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, लेकिन उसके पास एलील कैसे हैं, आई ए आई ओ टाइप के हैं, और दूसरे जो आरएच के एलील हैं वो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव हैं। शादी करता है एक वुमेन के साथ जिसके एलील्स जो है ब्लड ग्रुप के बी ओ एंड आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो इसमें हमें बताना है कि व्हाट आर द फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का फिनोटाइप कैसे होगा रिस्पेक्ट टू देयर ब्लड टाइप, व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप फॉर देयर ऑफस्प्रिंग्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ब्लड टाइप, उनके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैसा रहेगा, एंड थर्ड व्हाट आर द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ब्लड टाइप। ये तीन क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। आप चाहें तो ये वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, पैर फादर के बारे में क्या बताया था, उसका ए एंड ओ है, और ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ए जो होता है वो डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर, तो यहां से उसका ब्लड जो होता है एबीओ ब्लड सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप निकल के आता है ए। दूसरा आरएच फैक्टर के बारे में उसने बताया, आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पे आरएच पॉजिटिव वाला डोमिनेंट होता है आरएच नेगेटिव के ऊपर, तो यहां से उसका आरएच क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब ए एंटीजन प्रेजेंट है उसके आरबीसी के ऊपर और आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है उसके आरबीसी के ऊपर, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम मदर की बात करते हैं, मदर के अंदर क्या है, B एंड O है, B डोमिनेंट है O के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, मदर का B हो जाएगा, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव डोमिनेंट है RH नेगेटिव के ऊपर, तो यहां से RH पॉजिटिव निकल के आएगा, तो हमारे पास मदर जो है उसकी RBC के ऊपर B एंटीजन भी प्रेजेंट है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का फिनोटाइप हम यहां पे बता चुके हैं, फादर का भी मदर का भी। हाँ, अगर फादर का ए बी होता, ए एंटीजन भी होता है बी एंटीजन भी होता और आरएच पॉजिटिव भी होता तो क्या हो जाता, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो जाता, तो हम सिचुएशन फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि उनके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या है और थर्ड पूछा उनका फिनोटाइप क्या है, तो ये हमारे पास एक पेरेंट्स के क्या है, फादर का है, इधर मदर का, फादर का क्या था ए
एन आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव था, ए ओ एन आर एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब उससे हमारे पास फोर पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ए आर एच पॉजिटिव एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट होगा ए पॉजिटिव। अब ये भी हो सकता है कि ए एंटीजन प्रेजेंट हो आर एच ना हो, तो ए नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा ही ओ पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मींस ये हमारे पास क्या आएंगे, एलील्स आ रहे हैं। ये एलील्स फादर से आ गए, ये हमारे पास एलील्स मदर से आ गए, और उन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस में आएंगे, उनके ऑफस्प्रिंग में आएंगे। जैसे ऑफस्प्रिंग ये है हमारे पास, यहां पे क्या आएगा, यहां से ए एंटीजन आ गया, फादर से ए एंटीजन आ गया, मदर से बी एंटीजन आ गया, और फादर से आर एच पॉजिटिव भी आ गया और मदर से भी आर एच पॉजिटिव आ गया। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा बच्चा जो होगा वो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे फादर से ए, मदर से बी, मदर से ओ पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव आ गया, फादर से आर एच नेगेटिव आ गया, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, ए बी पॉजिटिव। ऐसे यहां पे मदर से बी आ गया, फादर से ओ, तो बी डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप हमारा बी हो गया, और आर एच पॉजिटिव फादर और मदर से दोनों से आ गया, तो हमारा डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये बी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास बी पॉजिटिव बनेगा। इस बॉक्स में इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे, ए बी पॉजिटिव यहां से आ गया, ए बी पॉजिटिव। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, आप वीडियो पॉज करके अपने आप बी बना करके देख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, यहां पे ए इधर से ओ, तो ब्लड क्या होगा हमारा ए, क्योंकि ए डोमिनेंट ओ के ऊपर, यहां से भी आर एस पॉजिटिव आ गया, यहां से भी आर एस पॉजिटिव आ गया, तो डी एंटीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उसको, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो ऐसे ये एग्जांपल लेते हैं, फादर से ए एंटीजन आ गया, मदर से कोई ए बी एंटीजन में से कोई भी नहीं आया, तो ब्लड ग्रुप हमारा ए हो गया, फादर से भी आर एच एंटीजन एब्सेंट है, मदर से भी आर एच एंटीजन एब्सेंट है, तो बच्चे के अंदर भी आर एच एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो बच्चे का ब्लड क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी लास्ट में क्या बन जाएगा, इस बच्चे के पास ना फादर से कोई ए एंटीजन आया, ना मदर से कोई ए बी एंटीजन आया, फादर से भी बी एंटीजन आया, ना ए एंटीजन आया, ना आर एच एंटीजन आया, ऐसे मदर से ना ए एंटीजन, ना बी एंटीजन, ना आर एच एंटीजन, तो इस बच्चे के पास तीनों मेन एंटीजन में से कोई एंटीजन नहीं है, ए बी एब्सेंट है, बी बी एब्सेंट है, और आर एच बी एब्सेंट है, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास सभी पॉसिबल जीनोटाइप, ये पॉसिबल जीनोटाइप हमारे होंगे। फिनोटाइप की बात करते हैं, ए पॉजिटिव हमारे पास कितने हैं, 16 टोटल हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स, वो 16 में से तीन ए पॉजिटिव है, देखिए ए एक पॉजिटिव है, ये वाला हमारे पास क्या है, ए पॉजिटिव है, ये हमारे पास ए पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ए पॉजिटिव की बात करते हैं पहले, ये हमारे पास ए पॉजिटिव है, ये हमारे पास ए पॉजिटिव है, ये हमारे पास ए पॉजिटिव है, तो तीन हमारे पास ए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं ए नेगेटिव की, ये देखिए ए है लेकिन आर एच नेगेटिव है, ए नेगेटिव, और देखिए ए नेगेटिव कहां पे है, ए नेगेटिव और कोई नहीं है, एक ही है। ऐसे हम बात करते हैं बी पॉजिटिव कितने हैं, ये हमारे पास बी पॉजिटिव, ये हमारे पास बी पॉजिटिव, ये हमारे पास बी पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या है, बी नेगेटिव। अब बात करते हैं ए बी की, ये हमारे पास ए बी, ये ए बी पॉजिटिव, ये ए बी पॉजिटिव, और ये ए बी नेगेटिव। ऐसे ओ की बात करते हैं, ये हमारे पास ओ पॉजिटिव, ये ओ पॉजिटिव, ये ओ पॉजिटिव, और ये क्या होगा, ओ नेगेटिव।
तो देखिए ए नेगेटिव हमारे पास एक है, बी पॉजिटिव तीन है, बी नेगेटिव हमारे पास एक होगा, ए बी पॉजिटिव तीन होंगे, ए बी नेगेटिव एक है, ओ पॉजिटिव तीन है, ओ नेगेटिव हमारे पास तीन होंगे। तो ये आ गया हमारे पास पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएच इनकंपेटिबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां पे हम आरएच इनकंपेटिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर पहले क्या आता है कि बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट मैरिज क्या होती है। इसका मतलब क्या, अगर कोई मेल जो कि क्या है आरएच पॉजिटिव है, ये हमारे पास मेल है, ये क्या है आरएच पॉजिटिव, मैरिज करता है एक फीमेल के साथ जो कि क्या है आरएच नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकली इनकंप्लीट मैरिज बोलेंगे। दूसरा बायोलॉजिकल मिसमैच क्या होता है, इफ ए आरएच नेगेटिव फीमेल हैव आरएच पॉजिटिव चाइल्ड, जैसे इन दोनों की मैरिज हो जाती है, मेल हमारे पास आरएच पॉजिटिव है, फीमेल आरएच नेगेटिव है, दोनों शादी कर लेते हैं और ये जो फीमेल है इसके यूट्रस के अंदर जो चाइल्ड जो है वो क्या है आरएच नेगेटिव है, वो क्या है आरएच नेगेटिव, ये आरएच नेगेटिव है लेकिन मदर क्या है, सॉरी जो इसके अंदर चाइल्ड जो फीटस डेवलप हो रहा है वो है आरएच पॉजिटिव और मदर जो है उसका आरएच क्या है नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मिसमैच, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मिसमैच। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी इसकी वजह से, तो कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी आएगी इस फीमेल की तो आरएच एंटीजन जो था किसके अंदर, बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, मदर में आरएच एंटीजन नहीं है क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है, बच्चा आरएच पॉजिटिव है, तो बच्चे के अंदर आरएच एंटीजन है, मदर के ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं है और मदर के और बच्चे के ब्लड को सेपरेट करने के लिए दोनों के बीच में क्या है प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, एक मेटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, दोनों के बीच में क्या होती है लेयर्स होती है, वो लेयर क्या करती है मदर के ब्लड को और फीटस के ब्लड को सेपरेट रखती है, केवल उसमें से फूड ऑक्सीजन और वेस्ट ही पास होता है, ब्लड पास नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि जब बच्चे की बर्थ होने वाली होती है तो हम क्या करते हैं डिलीवरी के टाइम या ड्यूरिंग पार्चुरेशन हम बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड, पतली सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू बच्चा जो होता है मदर के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो उसको कट करते हैं, जब उसको कट करते हैं तो कई बार बच्चे की जो आरएच एंटीजन है मदर के ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। पहले तो उनका ब्लड सेपरेट था लेकिन पार्चुरेशन के टाइम पे जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो चाइल्ड का ब्लड से कुछ सेल मदर के ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, मदर के ब्लड में वो चीज होती नहीं है, मतलब एंटीजन मदर के ब्लड में चला गया तो मदर का ब्लड उसको एंटीजन मान के क्या डेवलप करना शुरू कर देगा आरएच एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, और वो आरएच एंटीबॉडी कौन सी होती है आईजीजी टाइप की होती है, कौन सी होती है आईजीजी टाइप की होती है और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती है और फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में बच्चे को एडवांटेज क्या होता है, उसका पार्चुरेशन हो चुका होता है, उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है, अगर उसकी एंटीबॉडी डैमेज करेगी तो बहुत कम डैमेज कर पाएगी, उससे हल्का फुल्का उसको एनीमिया या जॉन्डिस हो सकता है, बच्चा हेल्दी रहेगा। आरएच एंटीबॉडी जो मदर के अंदर बन गई है अगेंस्ट द डीएनजी एंटीजन ऑफ फीटस, वो सेवर डैमेज करने से पहले फीटस की डिलीवरी हो चुकी होती है। लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद, पार्चुरेशन के तुरंत बाद मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें क्या होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी,
एक इंजेक्शन होता है जिसको रोगम के नाम से भी जानते हैं, ये मदर को इमीडिएटली दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि मदर के अंदर जो आरएच एंटीजन के अंगेस्ट एंटीबॉडी बन गई है उनको खत्म किया जा सके, नहीं तो उसकी बॉडी में पहले से आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी तो सेकेंड डिलीवरी के टाइम में फोटस को किल कर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट केस ऑफ प्रेगनेंसी में हमने क्या देखा, मदर क्या हमारी आरएच नेगेटिव है, फीटस क्या है आरएच पॉजिटिव है। तो जब पार्चुरेशन होता है तो कुछ फीटस के आरएच एंटीजन जो होता है वो मदर के ब्लड में चला जाता है, जिससे मदर के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, ये आरएच एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ये आरएच एंटीबॉडी बन गई, लेकिन डिलीवरी हो जाती है बच्चे की टाइम से, आरएच एंटीबॉडी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, तो मदर भी हेल्दी रहती है, बच्चा भी हेल्दी रहता है, थोड़ा बहुत एनीमिया या थोड़ा हल्का फुल्का जॉन्डिस उसको हो सकता है, दोनों सेफ रहते हैं। और पार्चुरेशन के तुरंत बाद हम उसको क्या दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, जो मदर के अंदर जो आरएच एंटीबॉडी डेवलप होगी थी, ये इंजेक्शन क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है, केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे आरएच दोबारा से बच्चा आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, और हमने मान लिया इस मदर को वो इंजेक्शन नहीं दिया है, रोगम इंजेक्शन इसको नहीं दिया है जो इसकी एंटीबॉडी को मार देता है, हमने इसको इंजेक्शन नहीं दिया। तो मदर के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी प्रेजेंट, इंजेक्शन इसको दिया नहीं तो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। तो ये एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीजी टाइप की है, और ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के ब्लड तक पहुंच जाती है, और फीटस के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या करती है, फीटस के अंदर जो आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। देखो ये डिस्ट्रॉय कर रही है फीटस के ब्लड को, जिससे क्या होगा, फीटस अर्ली स्टेज में ही अगर बहुत ज्यादा आरबीसी उसकी डिस्ट्रॉय हो गई तो बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इमेच्योर डेथ हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। अर्थ्रोब्लास्ट मतलब उसकी आरबीसी को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, अर्थ्रोब्लास्टिक फीटलिस। और इसको हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबोर्न भी बोल देते हैं। फर्स्ट केस में उसकी आरबीसी जो कम हो गई थी उसको हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबोर्न भी बोलते हैं, एचडीएन, हीमोलाइसिस, हीमो मतलब ब्लड, लाइसिस मतलब टूटना, उसकी आरबीसी को तोड़ दिया जाता है, और उसकी वजह से ही क्या होता है, बच्चे की अर्ली स्टेज में डेथ भी हो सकती है अगर उसको इंजेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसको बोलेंगे अर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग भूपेंद्रा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बीबीसी।